सारे प्रेस वाले भरावां नूं सति श्री अकाल। अज सवेरे ही जो सिंघू बार्डर की इस थां दे उपर घटना वापरी है, उस ते बत्ती किसान जथेबंदियां दी अज विशेष तौर पर मीटिंग सदी गई सी, और जिस मीटिंग की प्रधानगी साढ़े बहुत सत्कारयोग सरदार जगजीत सिंह जी डलेवाल साहब उन्होंने की, बाकी आगू सरदार रुलदा सिंह जी मानसा साहब, सरदार मेजर सिंह जी पुन्नेवाल, तजिंदर सिंह छीना जी, हरजिंदर सिंह जी टांडा, दास बड़ों सिंह बहराम के सारे जथेबंदियों के आगू सबान में मौजूद से। और अज की जो मीटिंग हुई है उनका जोड़ा फैसला हैगा वो अज के प्रधान सबान सरदार जगजीत सिंह डलेवाल साहब वो आप जी प्ले कर। पत्रकार दोस्तों, आप सारू पता है कि अज सुबह सुबह सिंघू बॉर्डर के उत्ते जिस तरह का घटना वापरी, उस घटना तो सारिया जथेबंदियां सारे संयुक्त मोर्चा दुख महसूस करता है उस घटना का। उस घटना दे विच वो घटना जिहड़ी घटी है जिस तरह का उन्हूं दस्या गया है वो किसी धार्मिक ग्रंथ दे बेअदबी नूं लैके, वो बेअदबी करन दी कोशिश नूं लैके वो घटना घटी है, जिहदे विच संयुक्त किसान मोर्चा जिहड़ा वो एक धार्मिक मैटर है। संयुक्त किसान मोर्चा तीन किसानां दे इन्हां कानूनां नूं लैके इस अंदोलन नूं लड़ रहा है, सो इस करके उहदे नाल उस घटना दे नाल इहदा कोई वो नहीं है, संबंध नहीं है। हाँ, ये जरूर है गल कि ये सानू लगता है कि किते ना किते इस घटना दे मगर षडयंत्र एजेंसियां दी कोई चाल ये हो सकती है। जिस तरह दीआं गल्लां बातां उत्थों निकल के सामने आ रही हैं वो ये गलबात सानू जो लगी है वो लगी है, लेकिन संयुक्त मोर्चा इस गल दे उत्ते जरूर मतलब महसूस करता है कि किसी धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक चिन्ह की बेअदबी होना भी निंदन योग है, और किसी व्यक्ति की इस तरीके दे नाल मर्डर हो जाना उन्हूं वो भी मतलब मोर्चा महसूस करता है वो भी मतलब निंदन योग है, असी इहदी मतलब निंदा करते हैं। बाकी गल यह है कि असी जिस तरह का भी सरकार तो असी मंग करते हैं कि इहदा षडयंत्र इहदे विच जो मगर पिछे की है, क्यों यह वापरी घटना, क्योंकि लंबे समय तो इत्थे घटनावां वापरदियां आ रही हैं, बहुत कुछ हुंदा आ रहा है, उस सारे कुछ दे मगर की है, उस गल दे विच्चों जरूर किते ना किते असी मंग करांगे सरकार तो प्रशासन तो कि इहदी गंभीरता नाल डूंघाई दे विच जांच होवे ताकि पता लगे कि इह षडयंत्र दे मगर की है, और जिस कारण यह घटना वापरी है षडयंत्र की जाँच होने तो बाद मर्डर की पूरी तरह जाँच होने तो बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई दी मतलब मोर्चा मंग करता है। ये साडा मतलब है, कोई होर तुहाडा कोई किसी तरह का नहीं? देखो हजे साडे ध्यान इत्थे नहीं है, लेकिन यह क्लीयर कर दिया मैं आइडेंटिफाई, ये क्लीयर स्पष्ट कर दिया गल कि जिस व्यक्ति का एक घटना वापरी है जिहदा मर्डर की गल आ रही है होया है, वो पंजाब तो ने, लखवीर सिंह है साढ़े वीर का ना, पुत्र दर्शन सिंह तरन तारण डिस्ट्रिक्ट तो ने, पिंड इन्हों का चीमा कला है ये उत्थों ने, और यह भी पता लग्या कि यह कुछ समय तो उन्हां संगठनां दे नाल ही रहिंदे सी जिहड़े मतलब निहंग संघ जथेबंदियां, उन्हां जथेबंदियां दे विच ही कुछ दिनों तो उन्हां दे नाल रहिंदे सी, और उन्हां दे ही मतलब बाणा पैण के मतलब वह विचरदे सी। देखो ये सवाल थोड़ा बहुत तकड़ा है, बड़ा है, लेकिन असी इहदे च बड़ा क्लीयर है गल साडी कि एक धार्मिक इशू बनाने की कोशिश की जा रही है इस मोर्चे ने, मोर्चे दे विच घटना घटनी और इत्थे ग्रंथ की बेअदबी होनी, उन्हां गल्लां नूं जेकर असी मतलब देखते हैं तो कितें ना कितें
वो सारा एक षडयंत्र का हिस्सा है, ता ही असी मंग की है कि ये मतलब जांच होनी चाहिए। नहीं बैठन जी आप बैठन की गल करते हैं, साढ़े मोर्चे के इस वेले ये मोर्चा वर्ल्ड लैवल का, ये हर जथेबंदी बैठी है, हर विचारधारा के लोग बैठे ने, ये सिख संस्थावां भी बैठिया ने, ये लंगर ला के लोग बैठे ने, ये मुस्लिम धर्म अपना धर्म के लोग भी ये मतलब इतों तिकर है कि रोजे इतने मुसलमाना ने खोले आपदे, हिंदुओं ने वड्डे वड्डे प्रोग्राम इतने किए। तुसीं देखिया होगा कि पिछले समय के कावड़ यात्रा आई और इतने एक किसान बुजुर्ग किसान दे उन्होंने ये महसूस करदे होया इतने आके उस जल नाल उन्होंने पवित्र जल के नाल उन्होंने चरण धोए। तो इस करके ये सारे लोग बैठे ने, इस मोर्चा ये दुनिया का मोर्चा सारे संसार का मोर्चा बनया होया, इनू किसी एक नाल नहीं जुड़िया जा सकता। जो वीडियोस वायरल हैं सोशल मीडिया पे उसमें देख रहा है कि जो जिनकी डेथ हुई है वो तड़प रहे हैं, खून बिखरा हुआ है, उनसे सवाल कर रहे हैं वहाँ पे निहंग से। ऐसा क्या मजबूरी थी कि वहाँ पर इतने सारे किसान रहते हैं हमेशा, क्या मजबूरी थी कि उसको उस वक्त डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया? क्या इसमें भी कोई षड्यंत्र था? सरे आम इसे कहते हैं कोल्ड ब्लडेड मदर, मर्डर हिंदी में। अभी अगर आपको लगता है अभी षड्यंत्र था तो वहाँ पर हजार लोग थे तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले गए? उसकी जान बच सकती थी। चार से पांच घंटे तक वो आदमी तड़पता रहा वहाँ पर, उस पर क्या कहना है? क्या ये भी षड्यंत्र था कि उस षड्यंत्र में हजार से ज्यादा किसान शामिल थे? आप ये कह रहे हैं सरे आम हत्या हुई उसकी? नहीं, ये क्या था? बिल्कुल इस गल नूं अगर ध्यान दे नाल असीं देखांगे तां इहनू मर्डर होया उह तड़फदा रहा, सारी गल आई सामने, लेकिन उह समां की सी? उह जिहड़ा समां सी उस वेले उत्थे जिहड़े उस एरिए दे विच लोग पंचायत लोग बैठे ने उह उत्थे गए ने, उहनां ने उस गल नूं लै के, लेकिन उह गल पेश किस ढंग नाल कीती गई है कि एक धार्मिक ग्रंथ दी बेअदबी, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਜੈਸੇ ਸਰ ਨੇ ਪੁੱਛਾ ਆਪਸੇ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੇਂ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਲੋਕ ਲੇਤੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਬੜ ਚੜ ਕੇ ਉਸਕੇ ਲਈ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਯੇ ਦੇਖੋ ਯਹਾਂ ਹਮ ਯੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਵਹਾਂ ਵੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ, जब कुछ खरगलत होता है तो आप तो उसकी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हटते हैं? क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है, सेम किसान मोर्चा है, आप लोग लगातार कहते हैं कि हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं यहाँ से, हम लोग बकायदा ट्रैफिक निकालते हैं, हमेशा हम लोग अच्छी चीजें कवर करते हैं, जब कुछ गलत होता है तो उसे आप लोग पल्ला क्यों झाड़ लेते हैं? नहीं नहीं देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता। जितने लोग वहाँ हैं वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, कोई वो बात नहीं है। कभी आज तक 26 जनवरी की घटना घटी तो हमने जिम्मेदारी ली है ना, कहा है कि हमने लोग बुलाए थे। लेकिन ये मामला है जो ये धार्मिक मामला है, धार्मिक मामला बनाकर हमारे आंदोलन को धार्मिक रंग देने का प्रयास करने का एक सरकार का षड्यंत्र था, जिसकी हम जांच की मांग कर रहे हैं। नहीं, मैं एक थोड़ा क्लियर कर दिया कि उन्हों वालों गल आई सी उधरले पासों नहंग सिंह जथेबंदियों वालों कि असी समर्पित करने लिए अपने आप को तैयार हाँ करांगे, हो सकता कर कर दे तो आवे साढ़े तो बाद उन्होंने गल होगी, असं तो इतने मीटिंग बैठे हैं। नहीं, आने वाले समय के सारिया सिख संस्थावां सिख समुदाय जिन्हें भी ने उन्होंने बैठ के विचार चर्चा करके ये सारा इशू निका जहा इशू नहीं है, सारे असं मतलब डिस्कस करा। सर एक और छोटा सा सवाल है, हमने देखा है सर, हम सब लोग जितने भी ज्यादा रिपोर्टर्स हैं पहले दिन से किसान आंदोलन कवर करते हैं, बात 26 नवंबर को हम आपके साथ आए थे पंजाब से यहाँ तक, और आपने जितनी लाठी या आंसू जैसे बोले झेले होंगे उतना हमने भी झेला, और निहंग सिखों का ये पहला मामला नहीं, अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, इस बार ज्यादा बढ़ गई नहीं, अक्सर मारपीट की घटनाएं होती रहती है, किसानों के साथ मारपीट घटनाएं होती रहती है, पड़ताल करेंगे केड़ी जथेबंदी ने घटना वापरी, सारी को क्यों कहेंगे हम, उसकी पड़ताल हो जाए केड़ी जथेबंदी ने काम करे उसको कहा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।
नहीं देखो हजे तक साडे कोल नहीं आई गल एवें ओ गल करन दा कोई तुक नहीं बनदी मीडिया दे सामने असीं कहीए भी हाँ जी असीं देखिआ हाँ साडे कोल जिस जदों साडा नहिंग जथेबंदियां ना सुबह असीं राबता कीता उन्हां नूं मिले हैं भाई इह की गल हुई क्यों वड्डी घटना वापरी उत्थों जो गल निकल के बाहर आई है कि सर्वलोक ग्रंथ है जिन्हों नहिंग जथेबंदियां ज़्यादा मतलब प्रैफर करदियां वो उन्हां दा ग्रंथ सीगा उस ग्रंथ नूं लैके कोई दसे उन्हां दे दसण मुताबक असीं नहीं देखिआ उन्हां दे दसण मुताबक वह व्यक्ति सुबह सवक्ते वो ग्रंथ नूं लैके बाहर गया उहदे मगर जदों उन्हां नूं पता लग्गिआ कि साडा ग्रंथ चोरी होया उस तों बाद वह कुछ आदमी उहदे मगर पिछा करन वास्ते गए ने और उन्होंने उस बंदे ने उन्होंने पिछे मतलब किसी इतराजयोग जगह जानी मतलब कह लो कि साफ सुथरी जगह नहीं किसी गंदी जगह के उत्ते मतलब ग्रंथ उत्तों उन्होंने प्राप्त किया जिदे चो मतलब ये गल उन्हां दे कहण मुताबक है कि ग्रंथ दे बंदे नाल दी मतलब बेअदबी करन दी कोशिश की असीं करवा रहे हैं और क्या गल तुहाडी असीं सारे वलंटियर सारे साथियों ने कहा कि इहनूं मतलब उहदी फुटेज है जिहड़ियां उह सारियां पड़ताल करो पता तो लगे आपां नूं कि ग्रंथ लैके जा रहा की लैके जा रहा कौन जा रहा किस किहड़ा आदमी है जिहड़ा लैके जा रहा देखो असी समुचे देश के किसानों नूं अपील करांगे कि एक ये आदमी जिसका मर्डर हुंदा है ये पिछले कुछ समय तो उस ही जथेबंदी उस ही नहिंग सिंघां की जथेबंदी के कुछ दिनों तो रह रहा है तो यह मतलब उन्होंने इंटरनल मामला भी मनना पेगा सानू कितना कितने समझना पेगा कि की गल है असी समुचे किसान वीरां समुचे देश दे हिंदू मुस्लिम सारे भाईचारे नूं कहांगे कि इहनू कृपा करके एक धार्मिक मसले नूं लैके ये कम हो गया किसान अंदोलन का कम है किसानी की लड़ाई लड़ रहे हैं सारे आपका ध्यान ये फोकस करो ये फोकस रखो ताकि अपनी जिहड़ी लड़ाई है किसानों के तीन काले कानूनों रद्द कराने की लड़ाई है वो लड़ाई में असं मतलब जित सके नहीं असी मंग कर ली है वो कि भी असी इन्होंने उत्ते मतलब जी बनती है कार्रवाई असं सहयोग करा एफ आई आर लॉज हो चुकी है ऑलरेडी नहीं ये जथे नहिंग सिंह जथेबंदियों हजे खुल के जथेबंदियों सारिया जथेबंदियों की मीटिंग नहीं लेकिन साड़ी कुछ बंद सुबह सख्ते जिस वेले की यह इंसीडेंट है उस वेले हुई सी और उन्होंने सानू मतलब एक कहा है कि भी असी मतलब आप मतलब बंद सरकार सानू कोई दिक्कत नहीं है असी पुलिस में बंद दे देंगे किस तरह देखिए गल है पहली तो गल है कि वड्डी पद्धर दे उत्ते वीडियो वायरल हुई है किसी ने रोकी नहीं वीडियो और नैट के जरिए मतलब सारे पब्लिक दे कोले गई है सारे वर्ल्ड चली गई सानू इस गल नाल कता ही नहीं हुंदा कि इहनू इत्थे असीं मतलब जे घटना घटी है कोई तो की दिक्कत है लोगों नूं तां पता लगना ही लगना है अब तुम सारा मीडिया जो वखड़े हो तो जरिए भी पता लगना है कि घटना वो घटी है इतने कोई दिक्कत नहीं है इस गल की लोगों इस कि लिखवे किमें इस गल पब्लिक देखो मोर्चा ये है मोर्चा है जो भखण की गल तुम बड़े कट्ठ की करते हो बड़ा कट्ठ तो भावें जिदे मर्जी कर लो जिदे मर्जी कॉल दे दिए बड़ा कट्ठ हो जाएगा साडा 26 का प्रोग्राम है यूपी दे विच बहुत वड्डा इकट्ठ करन दा इस मोर्चे दे विते 18 तरीक नूं तुसीं इहनूं आपां पूरे देश दे विच मोर्चे नूं ले जाण वास्ते पहलां भारत बंद की कॉल आई अज 18 तरीक नूं असीं पूरी रेल रोकण दा साडा प्रोग्राम है लखनपुर खीरी वाले प्रोग्राम दे उत्ते और जारी रहेगा वो है करांगे वो क्योंकि जिन्नी देर तक वो अजय मिश्रा बर्खास्त नहीं हुंदा और उहदे ते मामला दर्ज तो है ही है वो जिन्ना चिर जेल दे विच बंद नहीं हुंदा उन्नी देर तक वो जारी रहेगा वो साडी मतलब डिमांड है क्योंकि उत्थे साडे किसानों का कतल किया गया
ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਡਾ ਲਖਨਊ ਦਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠਾ ਜੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹੋਰ ਕੋਈ कल के लिए जो मतलब वो भी ऑलरेडी प्रोग्राम दिए हुए ना, वो तो दिए चल रहे हैं, वो तो कंटिन्यू रहेंगे, उनमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है, वो चलेंगे सर। देखो गल है, इनू तुरंत ये कह देना कि साजिश हो सकती है, अजे तक साढ़े कोले कोई प्रूफ नहीं, प्रूफ तो बगैर मैं कोई गल कह तो फिर ठीक नहीं होगी गल। प्रूफ आएगा जरूर कहे, उत्थे पब्लिक दे विच जिहड़ियां गल्लां आईयां ने कि वो तुसी जिहड़ी की वीडियो दी तुसी गल कर रहे हो कि लोग वीडियो बना रहे, मैं नहीं सी उत्थे, भावें जिहड़ी किसी ने बनाई भी है, और उस आदमी तो जो सवाल पूछे जा रहे सी उस आदमी ने यह गल्लां कुछ मेरे कोले जिहड़ी गां दी गां गल आई है, ये पक्का सबूत नहीं है, मैं फिर प्रेस दे उत्ते कह दिया कि ये मतलब मैं इहनूं पक्का प्रूफ नहीं कहिंदा, लेकिन जिस तरह की लोगों ने गल करी है वो ये कि उस आदमी ने यह गल कही है कि सानू 20 आदमियों को किसी वालों भेजा गया 30,000 रुपया सानू दिता गया, 20 आदमी ने जिन्होंने 30,000 रुपया दिता गया इत्थे इस मोर्चे दे विच यही जा कुछ करन दा। यह उस पर हजे तक मेरे को कोई वीडियो नहीं है, मैं मतलब उस गल्ल नू जस्टिफाई नहीं कर सकता। देखो असी ऑलरेडी अलर्ट हाँ, यह जी कोई गल नहीं, तुसी 3-4 गल्लां नू जोड़ के देखोगे जदों अलर्ट तो सानू होना ही होना है। अजय मिश्रा कहिंदा कि लोगों नू समझ लेना चाहिए, मैं मंत्री तो पहला की सी। खट्टर जी ये कहिंदे ने कि अगर तुसी 6 महीने जेल ला आओगे तो लीडर बन के निकलोगे, तो जेकर वो आपदे वर्करस नू आपदे लोगों नू अजिहा कुछ कहिंदे ने तो फिर सुभाविक है कि असी उहदा मतलब तैयारी ते मतलब लोगों को अलर्ट करांगे, लोगों को अवेयर ते करांगे, क्योंकि असी नहीं चाहते कि किसी तरह की भी इत्थे कोई हिंसा होए, असी नहीं चाहते किसी तरह की हिंसा दे, बिल्कुल अज तक पूरे का पूरा मोर्चा पहला भी खिलाफ़ सी, अज भी खिलाफ़ है, अगे भी खिलाफ़ रहांगे।